जी 16 जुलाई को संडे वाले दिन सिंध मेरठ कमीशन के नोटिस में एक केस आया जिसमें ये बताया गया कि जो सोल्जर बाजार में माड़ी माता मंदिर है उसको डिमोलिश किया गया है। जैसे ये केस हमारे नोटिस में आया, हमने उसी दिन संडे वाले दिन इस चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट नोटिस लिया और कमीशन के बिहाफ पे आए मैं जो है वहाँ पे गया माड़ी माता मंदिर। वहाँ पे हमने इंस्पेक्शन की, इंक्वायरी की, हमने साइट विजिट की और वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, रेजिडेंट्स हैं वहाँ के, उनसे बातचीत की, उनका मौक़िफ लिया, जो कस्टोडी जो टेम्पल है उनका मौक़िफ लिया, पुलिस का मौक़िफ लिया। हमारी इंक्वायरी के बाद ये इस्टेब्लिश हो गया हुआ कि हमें जो पता लगा कि जो रिहायशी इलाका है मंदिर का उसको मिसमार किया गया है। कालपन जो मंदिर है, जो वर्शिप एरिया है, वो अभी तक इंटैक्ट है। हमें ये पता लगा कि ये जो है एक इंटरनल इशू है कम्युनिटी के, हिंदू कम्युनिटी का, बरक्स केस के जिस रिपोर्ट किया जा रहा था काफ़ी जगहों पे के सोशल मीडिया पे, जैसे कि ये कोई इंटर रिलीजियस इशू है। तो जब ये हमें मालूम हुआ कि ये इंटर कम्युनिटी इशू है और ये एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है बिटवीन मद्रासी हिंदू पंचायत और जो कस्टोडियन ऑफ टेम्पल है मिस्टर रेखा, उनके बीच में हमने फिर ये इस्टेब्लिश क्यों करना था कि प्रॉपर्टी किसके नाम पे, अगर जो एक कम्युनल प्रॉपर्टी है जैसे ये दावा किया जा रहा था मद्रासी हिंदू पंचायत की जानब से, तो जो सिंध कम्युनल प्रॉपर्टी एक्ट 2013 है उसके तहत इस पर अप्रोप्रिएट एक्शन होगा। अगर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंगली इसका जो है फिर कोई पीसफुल सोल्यूशन निकाला जाएगा इस पर लॉ, इस चीज़ का तयन करने के लिए, क्योंकि दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग जो पार्टीज हैं उन्होंने कोई दस्तावेजी एविडेंस हमें ऐसा नहीं दिया जिससे ये मालूम हो सके कि प्रॉपर्टी की ऑनरशिप किसके नाम पे है। तो हमने जो है सिंध मिनरल्स कमीशन ने अपना मैंडेट इस्तेमाल करते हुए एज ए स्टेचुरी बॉडी ऑफ द सिंध गवर्नमेंट, जो माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट है और कमिश्नर कराची, इन दोनों को हमने लेटर इशू किया कि इस मामले की थोरो इन्वेस्टिगेशन की जाए और इस चीज़ का तयन किया जाए कि जो है ये प्रॉपर्टी की ऑनरशिप किसके नाम पे, अगर तो कम्युनल प्रॉपर्टी है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और जब इस चीज़ का टाइम हो जाए तो वो जो है अप्रोप्रिएट एक्शन जो है एज पर लॉ लिया जाए और उस मैटर को जो एक हिंदू कम्युनिटी अंदरूनी मामला है उसको जो है पीसफुली रिजॉल्व किया जाए। सिंध गवर्नमेंट बड़ा क्लोजली इस इन्वेस्टिगेशन को फॉलो कर रही है और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट होती है फिर हम अकॉर्डिंगली जो है रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को उस पर जो है लिखेंगे कि जो है एज पर लॉ इसको पीसफुली रिजॉल्व किया जाए।